हेलो दोस्तों, तो आज वील सी जितने भी ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पूरे दिन में रिवाइज करने हैं। यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज जितने भी ज्योग्राफी के टाइप्स हैं वो हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। फॉर एग्जांपल, ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में लेट्स से एग्रीकल्चर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, कितने पोर्ट्स हैं जिन पर साल भर में डिस्कशंस हुए हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स हैं जो न्यूज़ में रही हैं, तो उन सब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है। राइट, सो लेट्स सी व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। लेट्स, सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। सो इस पॉइंट पर आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें पता है। नहीं पता है, व्हाट यू विल डू इज आप एनसीईआरटी में जाके या फिर जो भी आपने एग्रीकल्चर के नोट्स बनाए उनको पढ़ोगे। उस पर्टिकुलर स्टैटिक पार्ट को पढ़ने के बाद देन यू विल कम बैक टू दिस टॉपिक। फॉर एग्जांपल, आपका पिंक बोलवर्म है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वन धन स्कीम, माइक्रो इरिगेशन फंड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मिथ और मिथिनी, राइट, देयर वाज दिस न्यूज अबाउट सिक्किम फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज, सॉरी रूल्स उनके बारे में, अटल सोलर कृषि पंप योजना, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, MS Swaminathan Committee, National Bamboo Mission, Dam Rehabilitation and Improvement Project and Green Revolution Krishi Uttati Yojana. So once you're done with your static part of agriculture, you will make sure कि आपने agriculture के context में ये सारे जो भी topics हैं ये पढ़ रखे हैं। Again, let's come to urbanization. Urbanization बहुत ही directly mentioned नहीं है आपके geography के prelim syllabus में, पर mains का बहुत important component है जिसकी वजह से pre में भी आजकल इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, right? तो आपको basic चीज़ें पता होनी चाहिए। For example, urbanization से related कुछ terms जैसे urban heat island, urban sprawl, right? कैसे अर्बनाइजेशन अचीव हो रही है उनके लिए कुछ इंडेक्सेस हैं, कैसे अर्बनाइजेशन को बेटर करना है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उनके बेसिस पे कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, देयर इज अ रिपोर्ट कॉल्ड रिवॉर्ड वर्क नॉट वेल्थ, देन एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम, हैप्पी सिटी समिट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो डेल्टा रैंकिंग है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, मोबिलाइज योर सिटी स्कीम, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब होता है, JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स, वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम, नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स स्टूडेंट हो तो ये जितने टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको वहाँ कवर करा रखे हैं। सो यू कैन एक्चुअली गो बैक एंड रीड दोस PDFs वंस अगेन, या फिर आप उन वीडियोज को 2x स्पीड पे दोबारा देख के उसे एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। देन लेट्स कम बैक टू रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर पहला टॉपिक है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये कौन सी सिटी में है, कौन सी स्टेट में है, एंड इसके बैक एंड पे जाके आप इंडिया के जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो पढ़ोगे। राइट, देन यू हैव स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे कि कौन कौन से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम बेसिकली क्या है, कौन से ऐसे रिजर्व हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, कौन से ऐसे रिजर्व हैं जो कि प्रपोज्ड हैं। राइट, तो जो भी टॉपिक है उसके आसपास की आपको सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर है, कौन सी दो जगह बन रहा है। राइट, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, ग्लोबल सोलर बैंक, राइट, दोचा पचम कोल ब्लॉक। अब जैसे दोचा पचम ही कोल ब्लॉक है तो यू कैन गो बैक एंड सी कि इंडिया में कहाँ कहाँ गोल्ड माइंस हैं, राइट, सॉरी कोल माइंस हैं। तो होता क्या है, या कोल रिजर्व्स हैं, यू कैन एक्चुअली गो टू गूगल, वहां पे आप लिख लीजिए कोल रिजर्व्स इन इंडिया इन मैप और उसके इमेजेस पे चले जाइए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन सबके मैप्स ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हैं। राइट, तो ऑल यू हैव टू डू इज गूगल दीज थिंग्स एंड यू विल इजीली गेट इट। इस टाइम पे यू डोंट हैव टू गो आउट एंड बाय सर्टेन थिंग्स, द ओनली एजेंडा इज आप गूगल कीजिए और सारे मैप्स आपके पास आ जाएंगे। अभी भी यू स्टिल हैव टाइम एंड ये सारी चीजें अभी भी कवर की जा सकती हैं अगर आपने सारे बेसिक्स कवर किए हुए हैं। राइट, देन कोल से एसोसिएटेड हेल्थ पॉलिसी, रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी, ठीक है, CSMS एंड खान प्रहारी मोबाइल ऐप, ठीक है, पतारू सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो इसके बैक एंड पे जाके आप क्या पढ़ोगे कि कितने और सुपर थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, एक नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट और सुपर थर्मल पावर प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको बैक एंड पे जाके भी पढ़नी है। अगेन, व्हेन आई से पोर्ट्स है ना, इंडिया और कौन कौन से पोर्ट्स न्यूज में रहे हैं, दुकम पोर्ट, चाबहार पोर्ट, ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं। राइट, देयर वाज दिस पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन देयर इज दिस रिपोर्ट कॉल्ड पोर्ट लॉजिस्टिक्स। तो इसके बैक एंड पे जाके आप इंडिया में जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं या माइनर पोर्ट्स हैं उनकी लोकेशंस, वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है,
क्या किसी पोर्ट का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब चीजें आपको बैक एंड पे पढ़नी पड़ेंगी. सारा कुछ आपके गूगल पे अवेलेबल है. इवन इफ यू डोंट हैव एनी मटेरियल राइट नाउ, यू कैन एक्चुअली गूगल एंड गेट दोज थिंग्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप रिवर सिस्टम को रिवाइज करोगे, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंडियन ज्योग्राफी की जो आपकी क्लास 11th की बुक है जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में दिया हुआ है, जो आप रिवर सिस्टम को रिवाइज करोगे तो रिवर सिस्टम के साथ आप महानदी रिवर पढ़ लो. ठीक है, जो भी रिवर सिस्टम न्यूज में है, फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, महानदी रिवर डिस्प्यूट राय, कावेरी मैनेजमेंट सिस्टम, असीता प्रोजेक्ट यमुना से एसोसिएटेड है, चिल्का लेक, रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिवर भवानी, इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एक रिवर सिस्टम से एसोसिएटेड रहे. सो व्हाट वी हैव डन इज जो जो टॉपिक आपके स्टैटिक पार्ट में है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे उन्हें अरेंज करने की कोशिश की गई है, सो दैट वंस आपका स्टैटिक खत्म हो जाए यू कैन रेफर टू ऑल दीज थिंग्स. देन फॉर एग्जांपल फिजियोग्राफी है, राइट, नाथुला पास, सेला पास, जोजिला पास, माउंट भगीरथी, सो यू कैन गो बैक एंड रीड अबाउट ऑल योर माउंटेन्स, जितने भी आपके पासेस हैं, जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं. ठीक है, वैसे फिजियोग्राफी यू रीड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स एंड योर पासेस, इन सब के आप मैप्स कर सकते हो. ठीक है, वैसे वो रिवर सिस्टम जितनी भी रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं आप पढ़ सकते हो. ठीक है, व्हेन आई से एनीथिंग अबाउट योर रिसोर्सेज तो कोल रिसोर्सेज, गोल्ड माइंस, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो. ठीक है, बेसिकली एजेंडा सेम है, जितने भी मैप्स आपके एनसीईआरटी में दिए हो ना 6 to 12th, वो सभी मैप्स आपको पता होने चाहिए. नाउ लेट्स से कि प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं ना, जैसे सो मेनी डैम्स, सो मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो जितने भी डैम्स की लिस्ट है, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, कौन से रिवर पे एसोसिएटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. टू मेक योर वर्क ईजियर हमने वो सारी चीजें दे दी हैं जो कि न्यूज में रही हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स में किशनगंगा प्रोजेक्ट, मंडल डैम, सीताराम लिफ्ट इलिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, नाइतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राइट, धर्मा एप्लीकेशन, डैम सेफ्टी बिल, रेणुका डैम प्रोजेक्ट, कालेश्वर डैम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट, अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट, रेणुका डैम प्रोजेक्ट, ये सभी चीजें न्यूज में रही हैं एंड इन सब पे हमने सवाल बनाए हुए हैं. अगर आपने हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी ली है उनमें भी इन्हीं सब टॉपिक से सवाल आए हैं, बिकॉज ये सारी चीजें न्यूज में पूरा पिछले 1.5 साल में रही हैं. ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रा, है ना. इंफ्रा में क्या क्या आता है, नेशनल हाईवेज कौन कौन से इंडिया में, इनलैंड वाटर हाईवेज कौन कौन से इंडिया में, राइट, तो ये सारी चीजें आपको बैक एंड पे पढ़नी है. फॉर एग्जांपल केरियान गंडियाल ब्रिज है इन इंडिया, देन लॉन्गेस्ट टनल स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज इन इंडिया, अतल सेतु ब्रिज, वंदे भारत एक्सप्रेस, जल विकास मार्ग, सागरमाला इनिशिएटिव, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, आजगबाद अग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, राइट, जिसे आप INSTC प्रोजेक्ट कहते हो, तापी पाइपलाइन, भारतमाला प्रोजेक्ट, उनमें से काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने शायद अपनी इकोनॉमी में भी पढ़े होंगे, या जितनी भी आप ये चीजें देख रहे हो आप देखोगे कि कुछ चीजें शायद आपने अपने इकोनॉमी के लेक्चर में भी पढ़ी होंगी. नव निर्माण इनिशिएटिव, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, रोड सेफ्टी ट्रस्ट फंड, राइट, इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, मिशन रफ्तार, थारलिंग एक्सप्रेस, तो जितने भी इंफ्रा से रिलेटेड न्यूज है जो भी आपने इकोनॉमी में नहीं पढ़ी है, मेक श्योर कि आप उसको ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लो. ठीक है, देन कितने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व न्यूज में रहे हैं, मनास नेशनल पार्क, नौरादेशी सेंचुरी, सिंगपिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोदावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यू विल गो बैक एंड रीड जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन सी स्टेट में हैं, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है. कौन कौन से साइक्लोन न्यूज में रहे, साइक्लोन तितली, लुबान, बॉम्ब साइक्लोन, सागर, पाबुक, गीता, राइट, फानी, एंड इन सब के कॉन्टेक्स्ट में 4-stage वार्निंग सिस्टम इन इंडिया, राइट. अब लेट्स से मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपको इन जनरल भी पता होने चाहिए, ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी पता होने चाहिए, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, स्वाजल प्रोजेक्ट, रिफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप चकमा पढ़ते हो वैसे चिन रिफ्यूजीज, ठीक है, INF ट्रीटी, ग्लोबल सोलर काउंसिल, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, परिवर्तन स्कीम, सोलर चरखा मिशन एंड संपर्क पोर्टल, पोलर वोल्टेक्स, पेट्रोटेक, आर्कटिक वाइट पॉलिसी पेपर, आर्कटिक काउंसिल के बारे में यहाँ डेफिनेटली पढ़ लेना, काफ़ी न्यूज़ में रही है इस साल, राइट, ऑपरेशन निस्तर, दुरोगोवी प्रोविंस, ठीक है, सालसा प्रोग्राम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप ओशन वोल्केनिक इरप्शन, तो जितनी भी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ में रही हैं मेक श्योर आप वो सारी पढ़ो. गोल्डन ट्राइंगल क्या होता है, गोल्डन क्रीसेंट क्या होती है, मेघालय एज, डेड जोन, बॉर्डर हार्ट्स, कैस्पियन सी लीगल स्टेटस ट्रीटी, ओशन क्लीन अप प्रोग्राम, ठीक है, गोलान हाइट्स न्यूज़ में रहा है, मलधारी ट्राइब्स बहुत न्यूज़ में रही हैं, आपातानी ट्राइब्स, नेशनल मिनरल नेशनल पॉलिसी,
लाडीज, थर्ड पोल एनवायरमेंट प्रोग्राम, राइज, ठीक है, प्राप्ति ऐप, एकेडमिक लोमोनोसोव, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट फ्री विलेज आपूर्ति ऐप, ठीक है, उन्नेट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन इंडिया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ई धरती ऐप एंड पोर्टल, गंगा जल प्रोजेक्ट, आर्कटिक सी वॉल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए. व्हाट इज़ द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी मेक श्योर आप कल के एक पूरे दिन में रिवाइज कर रहे हो. ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पिछले जनवरी 2018 से अब तक न्यूज़ में रही हैं. दे हैव बीन डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्टैटिक पार्ट, कि आप स्टैटिक पार्ट के साथ साथ ये सारा कुछ रिवाइज करो. लेट्स से आपने रिवर्स का टॉपिक रिवाइज किया, तो रिवर के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो. आपने साइक्लोन्स रिवाइज किए, टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो इन कॉन्टेक्स्ट विद दैट कौन सा साइक्लोन कहाँ है वो रिवाइज कर लिया. आपने रिसोर्सेज पढ़े सोलर वाटर सिस्टम्स के बारे में, सोलर प्लांट कहाँ है इंडिया में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या है, उनसे कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपके करंट अफेयर्स है वो सारे पढ़ लिए. सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टू मेक योर वर्क इजियर. आपको बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे दी गई हैं. ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है, एंड थरो वेल, एंड यू नो जस्ट डू वेल इन योर एग्जाम्स. ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, यू कैन ऑलवेज मेल अस, एंड वी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है दोस्तों, चलो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएम इन टेलीग्राम टुमारो, एंड या दैट विल बी ऑल. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज मेल अस एट sleepy.classes@gmail.com. ओके दोस्तों, बाय बाय.